हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा पंच की ड्राइविंग के बारे में कि चलाने में ये गाड़ी कैसी है, कैसा क्या कंफर्ट आपको मिल सकता है, कितनी जम के रोड पे चलती है, कैसी क्या गाड़ी की पकड़ है और जो चौड़े चौड़े टायर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं उससे कितनी क्या जो ग्रिप है वो रोड पे इस गाड़ी की बनती है। तो आज के वीडियो में जो ड्राइव रिव्यू है टाटा पंच का वो आपको देने वाला हूँ। उम्मीद है कि जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। तो चलिए गाड़ी को चला के देखते हैं और फिर आप लोगों के साथ जो आगे का एक्सपीरियंस है वो भाई इस गाड़ी का शेयर करता हूँ। अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट मुझे टाटा टियागो सीएनजी से ज्यादा यहाँ पे मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सीट है वो बिल्कुल मेरे कंधे के पास आई हुई है। तो मेरा जो कंधा है वो आराम से सीट के कोने पे रखा हुआ है, बड़े आराम से मैं गाड़ी को चला पा रहा हूँ। और जो सीट है वो भी भाई काफी चौड़ी है, तो उस हिसाब से यहाँ भी जो जगह है वो बसती है और मैं बड़े आराम से इस गाड़ी को बैठ के यहाँ पे चला सकता हूँ। तो टाटा टियागो से ज्यादा कंफर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है टाटा पंच में। तो ये चीज भाई मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। तो भाई सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये एकम्प्लिश वेरिएंट है जो कि भांजे के पास है। तो आज इस गाड़ी को भाई ड्राइव करने का मौका मिला है, देखते हैं कैसी क्या परफॉर्मेंस रहती है गाड़ी की। गाड़ी को आप पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं इनसाइड कैबिन नॉइज की, तो साथ में हाईवे है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं और मैं एक बार बिल्कुल चुप हो जाता हूं, जो साउंड है इनसाइड कैबिन नॉइज वो आप यहां पे भाई सुन सकते हैं। तो इतनी जो नॉइज है वो आपको पंच के अंदर सुनती है और उनकी गाड़ी भी स्टार्ट है, साइड में से गाड़ियां वगैरह बहुत सारी जा रही हैं। अब एक बार गाड़ी को थोड़ी दूर चलाते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या जो एक्सपीरियंस है वो यहां पे रहता है। सबसे पहले तो जो गियर इंडिकेटर है वो आपको यहां पे मिल जाता है, एमआईडी में आपको पता लगता रहता है कि कौन से गियर में आपकी गाड़ी चल रही है। तो उस हिसाब से ये भी काफी हेल्पफुल होता है कि आपको भाई पता है कि आपकी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, कब आपने गियर अप करना है डाउन करना है, वो इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे एमआईडी में मिलता रहता है। तो ये फीचर काफी अच्छा यहाँ पे टाटा पंच में दिया गया है। स्पीड की अगर बात करें तो पेट्रोल में गाड़ी है भाई 1.2 लीटर का इंजन है, अच्छी खासी जो स्पीड है वो एकदम से गाड़ी पकड़ती है। तो गाड़ी को मैंने पहले भी कई बार चला के देखा है, लेकिन जो रिव्यू है वो मैंने नहीं बनाया था आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम 2-4 किलोमीटर ही गाड़ी को चलाते हैं तो शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। लेकिन अभी 2-3 दिन से गाड़ी मेरे पास ही है, तो ये रिव्यू मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि टाटा पंच चलने में कैसी है नहीं है। लेकिन जो कम्फर्ट है, बैठने में जो आराम है, वो भाई मुझे इस गाड़ी में काफी बढ़िया लगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनिशियल पिकअप की, तो इनिशियल पिकअप भाई एकदम बढ़िया आपको गाड़ी में मिलता है। ये पहले गियर में गाड़ी है और यहां मैं गाड़ी को एक बार उठा देता हूं आप लोगों के सामने। और गाड़ी के वजन के हिसाब से जो पिकअप है वो भी भाई बढ़िया लेती है टाटा पंच, लेकिन एक हल्का सा जो लैग है वो कहीं ना कहीं शुरू में महसूस होता है जब आप पहले गियर में गाड़ी को उठाते हैं, तो उस टाइम आपको हल्का सा महसूस जरूर हो सकता है कि यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मिली सेकेंड का जो लैग है वो कहीं ना कहीं गाड़ी दिखा रही है। तो वो आप भी भाई हो सकता है कि नोटिस करेंगे जब आप गाड़ी को चलाएंगे या टेस्ट ड्राइव लेंगे। उसके अलावा उसके बाद तो फिर गाड़ी उठती है और भाई उठती ही चली जाती है, कोई ऐसा लैग बिल्कुल भी महसूस नहीं होता टाटा पंच में कि गाड़ी का वजन ज़्यादा है या इंजन छोटा है। उस हिसाब से इनफ पावर ये इंजन भाई गाड़ी को दे देता है, शुरू में हल्का सा जो लैग है वो आपको भाई महसूस हो सकता है। बाकी जो स्पीड है वो भी बढ़िया से गाड़ी पकड़ लेती है, वो आप अभी अपने आंखों के सामने खैर देख पा रहे हैं। एक बार दूसरे गियर में भी गाड़ी को उठाने की कोशिश करता हूं कि कितना क्या जो लैग है वो यहां पे महसूस होता है टाटा पंच में। तो भाई गाड़ी को एक बार दूसरे गियर में लगा लेता हूं और अब गाड़ी को उठा के देखता हूं, बहुत ज्यादा जो एक्सेलरेट है गाड़ी को वो नहीं करने वाला हूं।
पंच में भी आपको क्लच रिलीज जो एक्सेलरेशन है वो मिलता है, और बिना ही रेस पे पैर रखे आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ा सा आरपीएम बढ़ाती है ऑटोमेटिक। एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, तो एक पैर मैं बिल्कुल यहाँ पे पीछे रख लेता हूँ, और जैसे ही मैं क्लच को हल्का सा छोड़ता हूँ तो आप आरपीएम देख सकते हो कि अपने आप जो है वो ऊपर जाता है। तो क्लच रिलीज जो एक्सेलरेशन है वो टाटा पंच में भी आपको मिलता है, और दूसरे गियर में भी भाई आसानी से गाड़ी उठ जाती है, कोई ऐसा दबाव गाड़ी पे महसूस नहीं होता है कि गाड़ी बंद होने की कगार पे पहुंच जाती है दूसरे गियर में। और टाटा पंच को चला के एक अलग सा ही मजा आपको कहीं ना कहीं फील होता है, क्योंकि ऊंची ऊंची सीट लगती है, गाड़ी भी ऊंची है, और जो डैशबोर्ड है वो भी काफी ऊंचा यहाँ पे दिया गया है, तो ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आप मिनी एसयूवी में बैठे हैं। नॉर्मली जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज है मार्केट में, उनके टक्कर की ये गाड़ी है और उनको भाई पूरी तरह से टक्कर देती है, चाहे वो स्पेस हो, चाहे बूट स्पेस हो, चाहे टायर्स हो, उस हिसाब से सब कुछ इस गाड़ी में बढ़िया टाटा ने दिया है। और एक ऐसा पत्ता टाटा ने फेंका है कि और गाड़ियों की भाई इस गाड़ी ने नींद हराम वाकई में कर दी है, क्योंकि इस बजट में इतनी बढ़िया गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। शुरू में जब इस गाड़ी के प्राइसेस आए थे तो हम लोगों को लगा था कि यार प्राइसेस बहुत हाई हैं, लेकिन मार्केट में और भी गाड़ियां हैं उस सेगमेंट की, तो उनको देखते हुए जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया की सबसे सेफ गाड़ी है टाटा पंच, 5-स्टार रेटिंग के साथ में आती है। तो भाई सेफ्टी के साथ साथ जो फीचर्स हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, और टाटा अपने देश की कंपनी है तो उस लिहाज से भी बहुत सारे भाई गाड़ी को खरीद रहे हैं कि अगर हम टाटा की गाड़ी खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं अपने देश को ही सपोर्ट करेंगे, और भाई देश से बड़ा तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से टाटा पंच अगर आप भी लेना चाहते हैं तो भाई बढ़िया गाड़ी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। पूरा आपको स्पेस मिलता है, जबरदस्त बूट स्पेस मिलता है, और चलाने में भी जो मजा है वो आपको आता है इस गाड़ी को, बहुत ज्यादा कोई भी पावर का लैग आपको महसूस नहीं होता है, बड़ी बढ़िया से गाड़ी चलती है, आराम से आप चलाओ तो 18 तक की जो माइलेज है वो भी आपको गाड़ी भाई दे सकती है, और हाईवे पे हो सकता है कि 20 तक की जो माइलेज है वो टाटा पंच भाई आपको दे दे। अगर मैं क्लच की बात करूं तो बिल्कुल सॉफ्ट क्लच है, ऐसा कुछ भी नहीं कि हार्ड क्लच है। गियर शिफ्टिंग हल्की सी हार्डनेस आपको फील हो सकती है जब आप गियर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मारुति चलाने के बाद अगर आप टाटा की गाड़ी चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो हार्डनेस है वो आपको कहीं ना कहीं महसूस हो सकती है, ये आप भी भाई नोटिस कर सकते हैं जब आप गाड़ी को चलाएंगे। इनसाइड केबिन नॉइज ऐसा नहीं है कि जबरदस्त इनसाइड केबिन नॉइज आपको आ रही है, इरिटेट कर रही है, ऐसा भाई मुझे तो फिलहाल में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। एक बढ़िया सी जो लुक है वो आपकी आंखों के सामने रहती है, रोड पे चिपक के चलती है गाड़ी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती है, कोई भी डिसबैलेंस गाड़ी में नहीं है। जो स्टेयरिंग है, अगर आप यू टर्न लेते हैं और स्टेयरिंग को छोड़ देते हैं तो स्टेयरिंग ऑटोमेटिक भाई सेंटर में आ जाता है, ये वीडियो भी चैनल पे आप वहां पे देख सकते हैं। तो भाई बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में हो रहा है मुझे जब मैं गाड़ी को यहाँ पे हाईवे पे चला रहा हूँ। 80-85-90 तक जो गाड़ी है वो चल रही है और बिल्कुल स्टेबल है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि गाड़ी इधर जा रही है उधर जा रही है, बिल्कुल स्टेबल रोड पे चिपक के गाड़ी चल रही है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है, और आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आपका बजट भी अगर 6.5 लाख है और आप एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट जैसी फैमिली कार लेना चाहते हैं तो और कहीं फंसने की जगह आप टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं। सेफ्टी की सेफ्टी है, माइलेज भी ठीक ठाक है, और जो स्पेस या बूट स्पेस है वो भी भाई आपको इस गाड़ी में पूरा मिलता है, किसी भी तरह की कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, चलने में कोई भी शिकायत आपको गाड़ी में नहीं मिलेगी, इवन मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी चीज में कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलती है। लुक वाइज आप देख लो, बहुत ही अच्छी गाड़ी की लुक है, फ्रंट से, साइड से, बैक से, कहीं से भी देखेंगे, और भी जो लोग देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं यही कमेंट करते हैं कि यार गाड़ी तो देखने में अच्छी लग रही है, और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये माइक्रो एसयूवी है, ये भाई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की टक्कर की गाड़ी है, और कड़ी टक्कर दे रही है मैग्नाइट को, चाहे आप ब्रेजा कह लो या वेन्यू को भी कड़ी टक्कर दे रही है। जिस भाई का बजट थोड़ा कम था और जो एसयूवी टाइप गाड़ी लेना चाहता था वो अब आसानी से पंच ले सकता है, और भाई अपने पैसे का जो वो खर्च कर रहा है उसका भरपूर फायदा उठा के एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी गाड़ी वो ले सकता है। बेस वेरिएंट आप ले लें, उसमें बाद में एसेसरीज लगवा लें जब भी आपके पास पैसा हो, तो गाड़ी सेफ्टी के साथ में आपको मिलती है, स्पेस और इंजन सब कुछ सेम ही मिलता है, तो कोई सा भी आप वेरिएंट ले लें अपने बजट के अकॉर्डिंग, टाटा पंच आपको भाई वैल्यू फॉर मनी ही मिलने वाली है। मोस्टली जो बेस वेरिएंट है वो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है, इसलिए अगर आप एडवेंचर
क्रिएटिव या एकम्प्लिश की बात करें तो फिर वहां पे आपको जो एकम्प्लिश वेरिएंट है वो शायद कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है। तो भाई यही था आज का वीडियो, मैंने जो अपना रिव्यू था वो आपको दे दिया है। अब आपकी समझदारी है कि आप कौन सी गाड़ी लेते हैं नहीं लेते हैं। अगर आपको इसमें कुछ शक है या कुछ सवाल है तो आप भाई मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।